फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूं ऑनलाइन यूट्यूब प्रमोशनल वीडियोस में, जहां आप सीखते हैं बेसिक टू एडवांस टैली प्राइम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप बताऊंगी एक्सेल से टैली में डाटा इंपोर्ट कैसे करें। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हर एक कंपनी में वर्क करते वक्त हर एक अकाउंटेंट या हर एक बिजनेसमैन को जरूरत होती है कि हमारे पास जो एक्सेल में कोई डाटा पड़ी हुई है, मान लेते कि हमारे एक्सेल वर्क में कोई डाटा पड़ी हुई है, उस डाटा को हम किस तरह से टैली में इंपोर्ट करें या फिर टैली के डाटा को एक्सेल में किस तरह से एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए हम ओपन कर रहे हैं एक्सेल की एक डाटा, जिसे हम टैली में किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, या फिर हम एक वहां पे डाटा क्रिएट कर लेंगे कि हम किस तरह से टैली में आकर के उस डाटा को इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमारे एक्सेल की कुछ डाटा है जिसे हम टैली में इंपोर्ट करना आपको बताएंगे। वापस हम आते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। फ्रेंड्स, टैली से एक्सेल से जो भी डाटा आप इंपोर्ट करेंगे टैली में, उसके लिए आपको लाइसेंस वाले मोड पे वर्क करना होगा। फिलहाल मैं एजुकेशनल मोड पे बता रही हूँ, बट एजुकेशनल मोड पे यहाँ यूटिलिटीज में हमारे पास जो है वो एक्सेल इंपोर्ट यूटिलिटीज की ऑप्शंस नहीं है। अगर आप लाइसेंस मोड यूज कर रहे हैं तो लाइसेंस मोड पे, या फिर आपका लाइसेंस टैली आरपी 9 में रहा होगा तो उस मोड को भी आप टैली आरपी 9 में रीएक्टिवेट करके यूज कर सकते हैं, या फिर उस लाइसेंस को रेनुअल करवा लीजिए टैली प्राइम में। और जब भी आप लाइसेंस मोड पे जाएंगे, जैसे ही टैली प्राइम के रहे लाइसेंस मोड पे, अभी मैं टैली प्राइम के एजुकेशनल मोड पे हूँ, जैसे ही आप टैली प्राइम के लाइसेंस मोड पे आएंगे तो आपको इस यूटिलिटीज के ऑप्शंस में मिलेंगे। एक बैंकिंग की तो ऑप्शन होगी ही होगी, साथ में आपको मिलेगी एक्सेल, यहाँ जस्ट नीचे एक्सेल इंपोर्ट यूटिलिटीज की ऑप्शन। आप उस ऑप्शंस पे यस करेंगे और वहां पे जाके आप पेमेंट वाउचर या फिर रिसीप्ट वाउचर या फिर सेल्स वाउचर, जिस वाउचर को आपकी जो डाटा एक्सेल में है उसे आप, जैसे कि आपकी कोई भी डाटा है एक्सेल में, आप इस ये जो अकाउंट है हॉट का अकाउंट, आप इसे टैली में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस डाटा का आप फाइल नेम जो होगा, जिस फाइल में आपने इसको सेव किया, जैसे कि हमारा हॉट अकाउंट से फाइल सेव है और ये सीट नंबर कितना है, अगर सीट नंबर आप यहां से चेक कर सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर सीट पे हमारा ये डेटा रखा हुआ है। तो इस तरह से आप सीट नंबर डाल दीजिएगा, फाइल का जो नाम होगा वो डाल दीजिएगा, किस फाइल में आपने इसको सेव कर रखा है, और जो फाइल का पाथ होगा जैसे अनेबल कॉन्ट्रैक्ट ये आप डाल दीजिएगा, जैसे हमारा फाइल का नेम है आकृति स्टॉक बुक, और जो ये जो भी है पाथ वगैरह इसमें लोकेशन वगैरह यहाँ पे आप डालिएगा, फाइल का नाम, लोकेशन, लोकेशन मीन्स आप कहाँ, यहाँ डेस्कटॉप बाई डिफॉल्ट है, अगर आप डालेंगे तो आपको टैली यहाँ पे लिखना होगा, और सेव योर डॉक्यूमेंट ऑन ड्राइव यू कैन देम मूव एंड एक्सेस वर्जन हिस्ट्री, और आप इसे सारी इंफॉर्मेशन डाल के वर्जन की जो हिस्ट्री है वो डाल के और आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। और वहां से अपलोड करने के बाद आप आइएगा टैली पे, और फिर जो भी फाइल का नाम होगा पाथ के साथ सीट, जो सीट नेम डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सीट है, कौन से सीट पे है, तो 6 नंबर सीट पे वो डाले जिसमें वो है, और उस सीट का नाम डाल के आप इसे जो एंट्री है यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सब डाल के अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप अपलोड करते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट करा लीजिए, और एक्सेप्ट करा के टैली पे वो डाटा आपकी अनेबल हो जाती है जो कि डाटा आपका एक्सेल पे था, और वो आपका वाउचर में जाके आप देखेंगे तो वो वहाँ पे ओपन हो जाएगी, या फिर डेबुक में जाके देखते हैं तो जिस एंट्री की आपने डाटा सेंड की है, इंपोर्ट की है एक्सेल से टैली में, वो आपको देखने को मिलती है, चाहे वो पेमेंट वाउचर हो, रिसीप्ट वाउचर हो या फाइल नेम हो, बट याद रहे कि वो आपका रेनुअल या लाइसेंस वाला मोड होना चाहिए, ना कि एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड पे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक्सेल की यूटिलिटीज की जो ऑप्शंस है वो हाईलाइट नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आपने सीखा किस तरह से हम रेनुअल वाले या फिर लाइसेंस वाले मोड पे एक्सेल इंपोर्ट यूटिलिटीज की ऑप्शंस को यस करेंगे, और वहां से हम
एक्सेल की जो भी डाटा होगी उसे टैली में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे कंप्लीट कोर्स की वीडियो चाहिए तो आप आईपीटी एक्सेल स्कूल की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, और वहां से आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स की वीडियोस, जिसमें आप देख सकते हैं टैली प्राइम की बेसिक टू एडवांस वीडियोस अकाउंट के साथ, और कंप्लीट वीवीए एक्सेल विथ माइक्रो प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, 1-to-1 लाइव क्लास, जिसे कि आप कैसे कॉन्टैक्ट करते हैं वो। तो मोबाइल ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है, और आप वहां से फटाफट उस लिंक को डाउनलोड करें और अपने मनपसंद वीडियोज परचेज कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।